أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم بكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن آتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेशक खसारे में पड़े वो लोग जिन्होंने अल्लाह से मुलाकात की हकीकत को झुटलाया, यहाँ तक कि जब वो मुईन वक्त पर उन पर अचानक आ पहुंचेगा तो कहेंगे हाय अफसोस हमारी कोताही पर जो उसके बारे में हुई, और हालत उनकी ये होगी कि वो अपने बोझ अपने कमर पर लादे होंगे। खूब सुन लो कि बुरी होगी वो चीज जिसको वो लादेंगे, और दुनिया की जिंदगी तो कुछ भी नहीं सिवाय खेल और तमाशे के, और आखिरत का घर मुत्तकियों के लिए बेहतर है। क्या तुम सोचते समझते नहीं हो?
हम खूब जानते हैं कि आपको इनकी बातें गमजदा कर देती हैं, सो ये लोग आपको झूठा नहीं कहते लेकिन ये जालिम तो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। और बहुत से पैगंबर जो आपसे पहले हुए हैं उनकी भी तकजीब की जा चुकी है, सो उन्होंने उस पर सबर ही किया, उनकी तकजीब की गई, उनको ईजाएं तकलीफें पहुंचाई गई, यहाँ तक कि हमारी इमदाद उनको आ पहुंची। और अल्लाह की बातों का कोई बदलने वाला नहीं, और आपके पास बास पैगंबरों की कुछ खबरें तो आ ही चुकी हैं, और अगर आपको उनका एराज गिरां गुजरता है तो अगर आपको ये कुदरत है कि जमीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी है तो ढूंढ लो, फिर कोई मौजज़े ले आओ तो कर लो, और अगर अल्लाह को मंजूर होता तो उन सबको राह रास्त पर अल्लाह जमा कर देता, सो आप नादानों में से ना हो जाइए। अल्लाह अकबर। वही लोग कबूल करते हैं जो सुनते हैं, और मुर्दों को अल्लाह जिंदा करके उठाएगा, फिर सब अल्लाह ही की तरफ लाए जाएंगे। ये वो लोग कहते हैं कि उनके रब की तरफ से उन पर कोई मुआजिजा क्यों नहीं नाजिल किया गया। आप फरमा दीजिए, अल्लाह को बेशक पूरी कुदरत है इस पर कि वो मुआजिजा नाजिल फरमा दे, लेकिन उनमें अक्सर बेखबर हैं। और जितने किस्म के जानदार जमीन में चलने वाले हैं, और जितने किस्म के परिंद जानवर हैं और अपने दोनों बाजुओं से उड़ते हैं, उनमें कोई किस्म ऐसी नहीं कि जो कि तुम्हारी तुम्हारी तरह के गिरोह ना हो। हमने दफ्तर में कोई चीज छोड़ी नहीं है, फिर सब अपने परवरदिगार के पास जमा किए जाएंगे। और जो लोग हमारी आयतों की तकजीब करते थे वो तो तरह तरह की जुल्मतों में बहरे गूंगे हो रहे हैं। अल्लाह जिसको चाहे बेराह कर दे और जिसको चाहे सीधी राह पर लगा दे। आप कह दीजिए कि अपना हाल तो बतलाओ कि अगर तुम पर अल्लाह का कोई अजाब आ पड़े या तुम पर कयामत ही आ पहुंचे तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे अगर तुम सच्चे हो? बल्कि खास उसी को पुकारोगे, फिर जिसके लिए तुम पुकारोगे अगर वो चाहे तो उसको हटा भी देगा, और जिनको तुम शरीक ठहराते हो उन सबको भूल भाल जाओ। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। मौजिज़ माओं, प्यारी बहनों, प्यारी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस तवील रुकू में भी अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क के बारे में बतलाते हुए जिंदगी की हकीकत बताई। जैसा कि आज का हमने टॉपिक रखा, दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं सिवाय लहू व लाइब के। लहू व लाइब कहते हैं खेल तमाशे को। तो दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं सिवाय खेल तमाशे के। तो ये जो खेल तमाशा है उसमें लोग मगन होकर गुनाह पर गुनाह करते हैं, और इतने ज्यादा गुनाह करते हैं कि आखिरी गुनाह यानी शिर्क को आखिरी गुनाह कहा गया। और ये ऐसा आखिरी गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं है जब तक कि बंदा अल्लाह से तौबा इस्तगफार ना करे अपनी जिंदगी में, और मरते वक्त भी नहीं, अपनी जिंदगी में जब वो अल्लाह अल्लाह के सामने तौबा इस्तगफार करता है। और देखिए ये हकीकत, शिर्क जब करता ना बंदा उसका दिल मुतमईन नहीं होता, यानी वो बारहा ये सोचता है कि नहीं ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, ये बात उसके जहन में आती है और वो मुतमईन नहीं रहता शिर्क पर। और यानी अल्लाह ताला इसमें ये मिसाल भी दी ना, अभी हमने जो रुकू तर्जमा पढ़ा सुना आपने, तो उसमें मिसाल भी दी ना कि पूरी मुसीबतें जब आते, परेशानियां जब आते, यानी बहुत बड़ी मुसीबत कोई आ गई, परेशानी आ गई या बहुत ज्यादा मुसीबतें आ गई, तो ये सब सबको यानी जितने औलिया अल्लाह को पुकारते हैं, जितने यानी कि कोई किसी को पुकार रहा है, कोई देवी देवताओं को पुकार रहा है, कोई किसी नबियों को पुकार रहा है, कोई वलियों को पुकार रहा है, तो अल्लाह ताला बता रही है कि ये सबको छोड़कर क्या करते हैं, एक अल्लाह को पुकार करते हैं जब ज्यादा मुसीबतों में गिर जाते हैं या फिर जब कोई बड़ी मुसीबत उन पर आ जाती है, और जब ये मुसीबत टल जाती है तो फिर शिर्क करने लगते। तो अल्लाह ताला इस बात से ये वाज़ह कर रहा है बात को कि लोगों को मालूम है कि अल्लाह ही कादिर मुतलक है, अकेला वही है, वो मालूम होने के बावजूद भी ये लोग क्या करते हैं, अल्लाह ताला के साथ शरीक करते हैं। तो ये शिर्क एक ऐसा बदतरीन गुनाह है कि उस गुनाह के ताल्लुक से अल्लाह ताला समझा 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 के दुनिया में बोल रहा है, और जब आखिरत में रोज़े महशर में अल्लाह के सामने ठहरेंगे तो वो शिर्क की कोई माफी नहीं होगी, यहीं पर चाहे तो अल्लाह ताला माफ कर दे रहा है। यहाँ पर बंदा जब गुनाह कर रहा ना, बंदा चाह रहा है कि वो शिर्क से निकले, तो अल्लाह माफ कर दे रहा है। और वहां पर भी यानी आखिरत में हशर के मैदान में भी अल्लाह सुब्हान व तआला यकफिरु मा दुना दालिक कहा, यानी शिर्क के अलावा जो होगा मैं माफ करूंगा, लेकिन मुशरिक की माफी नहीं है।
कुरान की आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शिर्क करता है उसको हरगिज माफ नहीं करेगा अल्लाह ताला, यगफिरु मा दुना ज़ालिक, उसके अलावा जो चाहे वो माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा। तो ये बहुत ही अहम मामला है, इसको गौर से सुने और अपनी दूसरी बहनों तक पहुंचाएं। ऐसी बहनें जो हक की तलाश में हैं वो कबूल करेगी, अब जो हक की तलाश में नहीं है वो तो कबूल नहीं करेगा, अब जो हक की तलाश में नहीं है वो कबूल नहीं करेगा, उसकी जिद और हठधर्मी ऐसी होगी कि वो बात को सुनेगा ही नहीं, समझना तो दूर की बात है, सुनेगा भी नहीं, तो वो तो उसकी बदबख्ती है, वो हिदायत नहीं लेना चाहता तो उसकी बदबख्ती है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज्यादा दुख और तकलीफ महसूस करते थे अगर कोई अल्लाह की बात को नहीं सुनता, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात जो आप बता रहे हैं वो नहीं सुनता और अल्लाह ताला की जात में शिर्क करता है, तो अल्लाह ताला को इतना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना अफसोस होता, इतना अफसोस होता कि आप क्या करते थे, रोते थे, आप रातों को रोते थे, आप रातों को रोते थे और आप अल्लाह ताला से दुआएं करते थे बार बार, अल्लाह मौजूदे बता दे इनको, अल्लाह कुछ तो, कुछ तो हो इनका हल के ये इस्लाम ला ले, खालिस इस्लाम ला ले, कोई किस्म की क्या कहते हैं कि कोई किस्म की शिर्क और कोई किस्म का कुफ्र ये ना करें, मुसलसल उनकी कोशिश होती थी, मुसलसल उनकी ये कोशिश होती थी। तो इस कोशिश पर भी अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया, वो चीज अल्लाह सुबहान ताला ने यहाँ पर कुरान में जो इस सूरे इस रुकू में बयान किया है इंशाल्लाह आज हम जानने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो शुरू होता है ये रुकू मेरी बहनों, कद खसीरल लजीन कदब, यहाँ पर भी नुकसान की बात हो रही है कि अल्लाह ताला इस रुकू के शुरुआत में ही कह रहे हैं कि नुकसान में पड़ गए वो लोग। पिछले रुकू में हमने क्या पढ़ा था, पिछले रुकू में हमने पढ़ा था कि कितना बड़ा जालिम है वो जो अल्लाह पर झूठ बांधता है, कितना बड़ा जालिम है वो जो अल्लाह पर झूठ बांधता है, वो कभी फला नहीं पाएगा, कभी कामयाब नहीं होगा, कभी फला नहीं पाएगा, कभी कामयाब नहीं होगा, ये बात अल्लाह सुबहान व तआला ने पिछले रुकू में बताई थी। आज भी वही बात को एक अलग अंदाज से अल्लाह ताला समझा रहा है, नुकसान, नुकसान बनते ही फौरी इंसान परेशान हो जाता है ना, मेरा नुकसान नहीं हो, यानी कोई किस्म का उसका नुकसान नहीं हो, जानी नुकसान, माली नुकसान, कोई नुकसान ना हो, तो अल्लाह ताला बता रही बेशक नुकसान में पड़ेगा, कौन पड़ेगा, कद खसिरल लजीना कज़बू बिलिक़ाइल्लाह, अल्लाह की मुलाकात, जिन्होंने भी अल्लाह की मुलाकात को झुठला दिया वो नुकसान में पड़ेगा, जिसने भी अल्लाह की मुलाकात को झुठला दिया वो नुकसान में पड़ेगा ही पड़ेगा। अल्लाह ताला बता रहे तुम अल्लाह की मुलाकात को मत झुठलाओ, एक दिन आने वाला है अल्लाह से मिलने वाले, सुभान अल्लाह, ये मुलाकात ना मेरी बहनों ये भी बड़ी प्यारी चीज है, अगर समझा बंदा तो प्यारी चीज है, दुनिया में वो जितना जी लगाएगा, दुनिया वालों से जितनी मोहब्बत करेगा, दुनिया में वो जितना मुलव्वस रहेगा, उतना ज्यादा वो रब से मुलाकात की तमन्ना नहीं रखेगा, मरना तो सभी को है, अब क्या मैं रब की मुलाकात की तमन्ना करूं तो क्या अल्लाह ताला मुझे जल्दी बुला लेगा, लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे इन्हों ज्यादा रब से मुलाकात की तमन्ना रखेंगे हम तो अल्लाह ताला वक्त से, सुभान अल्लाह, नहीं, वक्त मुय्यन कर दिया गया, उस मुय्यन वक्त में अल्लाह ताला तभी बुलाएगा, यानी एक वक्त मुय्यन यानी मुकर्रर कर दिया गया, डिसाइडेड है वो अल्लाह के पास, अल्लाह ने जब हमें पैदा किया ना उसी वक्त हमारी मौत लिख दी कि ये वक्त में ये इसका इंतकाल होने वाला है। अब बंदे ये समझते कि अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करेंगे, अल्लाह ताला से ज्यादा उल्फत करेंगे, अल्लाह ताला के मुलाकात के मुतमन्नी रहेंगे, तो ले तमन्ना जल्दी तेरी पूरी कर दूंगा, बल्कि अल्लाह ताला कर देगा, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह की मुलाकात का शौक हर मोमिन को होना चाहिए, अगर मैं मोमिन हूं तो मुझे शौक हो अल्लाह की मुलाकात का, अगर आप मोमिना है तो आपको शौक हो अल्लाह की मुलाकात का, ये ईमान के दर्जात है मेरी बहनों, मुकम्मल करें अपने दर्जात को, अल्लाह से मुलाकात की ख्वाहिश रखें, अल्लाह से ऐसी मोहब्बत करें कि आपका जी चाहे कि अल्लाह मैं तुझसे जब मिलूंगी तो मेरी खुशी की इंतहा ना रहेगी। अल्लाह हम कब मिलेंगे, अल्लाह ताला से मुलाकात होगी ना तो जब कैसे होगा, यानी एक इमेजिनेशन होते ना कि मतलब एक इमेजिनेशन से मुराद नहीं, अल्लाह को इमेजिन तो नहीं करना है, नऊज़ बिल्ला, ये तो हराम है, नहीं करना है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मतलब आपको एक ख्वाहिश हो
मुलाकात अपने रब से, रब की खुशनुदी हासिल करना, उसको राजी कर लेना। अच्छा, मुलाकात में फिर हमें ये भी डर होता ना सोच के कि अल्लाह से मिलेंगे तो क्या मेरे आमाल सही हैं, क्या मेरे आमाल से, ये आमाल लेकर मैं अल्लाह के पास जाऊंगी तो क्या अल्लाह मुझसे खुश होगा। इस चीज के ऊपर हमें नजर डालना है। एक दिन है मुलाकात का, जो झुठला देता है मुलाकात को, नहीं मिलना ही नहीं है रब से, अरे उसे तो मिलना ही मिलना है, अगर वो झुठलाता है तो नुकसान में पड़ेगा, दुनिया में भी वो खसरान नुकसान में पड़ेगा, दुनिया में भी खसारे में पड़ेगा, खुसरान उन मुबीन उनका अल्लाह ने, खुल्ला खुल्ला नुकसान है उसका। अब यहां पे फरमाया कि इदा खसिर अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइ अल्लाह, बेशक बेशक खसारे में पड़ गए वो लोग, नुकसान में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुठला दिया। हत्ता यहां तक के इदा जात मुसा, जब वो घड़ी आ गई ना, वो वक्त आ गया, वक्त मुय्यन उनके ऊपर आ गया, बगततन खालू, कहने लगे या हसरतना, या हसरतन हाय अफसोस, अला मा फरतना फीहा वहुम यहमिलूना औजारहुम अला ज़ुहरिहिम, जो पीठ के पर बोझ था ना उनके, ज़हरुन कहते हैं पीठ को, ज़ुहूर उनकी पीठों पर, उनकी पीठों पर जो बोझ था ना, यहमिलूना जो उठाए हुए थे, वहुम यहमिलूना औजारहुम, उनके ऊपर जो बोझ उठाए हुए थे ना अपने पीठों पर, वो पीठों पर बोझ की वजह से क्या हुए वो लोग, परेशान हो गए, हसरत करने लगे। क्या फरमा अल्लाह ताला, हत्ता यहां तक के उनकी, वो तो खसारे में ही है, यहाँ कब तक खसारे में हो लोग, यहां तक के उनके पास मौत की घड़ी आ गई, सा आ गया, अचानक एक घड़ी आ गई, तो खालू कहने लगे या हसरतना हाय अफसोस के अलामा फर्रतना फीहा वहुम यहमिलून, उस चीज पर, वो कोताही पर, उस कोताही पर वो नादिम हुए, उस कोताही पर वो अफसोस करने लगे। कौन सी कोताही, जो इसके बारे में हुई, हालत उनकी ये होगी कि वो अपने बोझ अपनी कमर पर लादे हुए होंगे, जो बोझ उठाए हुए होंगे ना, वो बोझ लेकर परेशान होंगे, बोलेंगे कि अब ये गुनाहों का बोझ कैसे धोले। आज अल्लाह मौका दे रहा है, सांस के निकलने से पहले अल्लाह मौका दे रहा है, तुम अस्तग़फ़ार कर लो, तौबा कर लो, अल्लाह से मोहब्बत को बढ़ाओ, अल्लाह से मुलाकात करना है, इस बात को याद रखो, झुठलाओ मत अपने अमल से, अपने जुबान से, अपने अमल से, बल्कि उस बारे में सोचो, ऐसा नहीं हो कि यहां तक कि वो घड़ी आ जाए मौत की और कहने लगे कि या हसरतना, वो कहेंगे, गुनाहगार कहेंगे कि ए हाय अफसोस कि जो हम पर जो कमर पर जो बोझ लादे हुए होंगे ना, बोलेंगे, जब बोलेंगे कि या हसरतना अलामा फरतना फीहा वहुम यहमिलूना औजारहुम अला ज़ुहूरिहिम, अपने पीठों पर बोझ डाले हुए आएंगे ना, तो जब अफसोस करेंगे अपनी कोताही के बारे में, क्या हम क्या करके आए, अपनी कोताही के बारे में अफसोस करेंगे, जो बोझ उनके ऊपर होगा पीठों पर लादे हुए आएंगे। अल्लाह फरमाता है अला सा मा यज़िरून, बड़ा बुरा है वो, बड़ी बुरी होगी वो चीज जिसको वो ला देंगे, यानी अल्लाह की मुलाकात की को झुटलाने वाले, जो खसारे में, जो नामुरादी में, जो यानी नाकाम होंगे, नामुराद होंगे, फेल हो जाएंगे ना, तो वो अपनी कोताहियों पर, जैसे कि उन्हें दुनिया में नादिम होना चाहिए था, उन्हें वहां नादिम होंगे, वहां नादिम होने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बुरे अमाल का बोझ तो उन पर पड़ गया, वो लादे हुए आएंगे, वो लादे हुए आएंगे, बुरी अमाल का तो उनके साथ ही लगे हुए हैं वो, क्योंकि उन्होंने माफी मांगकर उसको दूर नहीं किया ना, दूर नहीं किया। अल्लाह ताला ने तो खसारा, यानी अब नुकसान कहाँ होता है मेरी बहनों, अक्सर मैं एक मिसाल देकर आपको बताऊं, बिजनेस में बोलते हैं ना, बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया, बिजनेस बड़ा परेशान है, बिजनेस में नुकसान हो गया, खसारा, यानी सौदाबाजी सही से नहीं हुई, लेन देन सही से, या तो लेने में गड़बड़ हुई, देने में गड़बड़ हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई बीच में कि खसारा हो गया। अब ये भी सोचिए आखिरत की सौदाबाजी जो हमने की वो क्या है, हमने ईमान, यानी अपने, अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लू नफ्सन रहीना बीमा कसबत रहीना, कुल्लू नफ्सन, हर नफ्स बीमा कसबत रहीनी, उसके अपने कसब की वजह से वो रहन है। ईमान लाएगा, आमाले सालेह करेगा, ये सौदा है उसका, उसका सौदा क्या है, उसको ईमान लाना है, आमाले सालेह करना है। अगर कोई अपने सौदे में पुख्ता नहीं है, ईमान नहीं ला रहा है, आमाले सालेह नहीं कर रहा है, नुकसान होगा ना। जैसे एक मिसाल दूं दुकान की, दुकान कोई खोला बंदा, इनॉग्रेशन में अच्छा था, बड़े जोशो खरोश से आया दुकान डाला, उसके बाद वक्त पे दुकान नहीं खुलता,
घर जाके सो जाता, इधर उधर मसरूफ रहता, किसी के हवाले कर देता, तो क्या वो चलेगा? उसका कारोबार नहीं चलेगा ना, नुकसान में होगा वो। हमेशा बंद रखता या फिर खोला भी तो अपनी मर्जी अपना, यानी वो मार्केट में बदनाम, उसका कारोबार मांद पड़ा हुआ लोगों में बदनाम के, उसके अरे उसके पास क्या जाएंगे, उसको तो हमेशा दुकान बनी रहती है, कभी कभार खुलती है, तो क्या उसका नुकसान है ना? उसने सौदेबाजी ठीक से नहीं की। उसे चाहिए था कि वो जो सौदेबाजी के रूल्स होते हैं, जो कारोबार के रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करे। वो फॉलो नहीं करेगा तो फिर उसका नुकसान ही होगा। तो वैसे ही मुसलमान है, मैं ईमान वाले हैं, तो अपने ईमानी तकाजों को पूरा करो, ईमान लाओ, तो फिर ईमान किस चुड़िया का नाम है, इल्म हासिल करो उस ताल्लुक से, ईमान क्या है, ईमान के तकाजे क्या हैं। अरे काफिर ने तो क्या किया, ईमान के बदले में कुफर को खरीद लिया, ये सौदाबाजी कर ली उन्होंने, और अपनी जिंदगी में बुराइयों और कुफर और शिर्क का इर्तिकाब करते ही रहे, कोताहियां करते ही रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईमान को बेच दिया, कुफर को खरीद लिया। आज हम ईमान रखते हुए ये समझ रहे हैं कि हमारे पास ईमान है, जबकि अक्सरियत आप देखेंगे ईमान के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, इल्म ही नहीं है। हाँ जज्बा है, ये कर देंगे वो कर देंगे फला, जज्बा है। जज्बा इल्म के बगैर मुकम्मल नहीं होता। किसी को जज्बा है, किसी को हिमाकत है, हम फला के खानदान से हैं, हम फला हैं, हम फला। अरे सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब थे, अरब। अल्लाह ने अरब को अजम पर फौकियत नहीं दी, अजम को अरब पर फौकियत नहीं दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? अरब थे। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जितने अरबी हैं वो आला हैं, जितने अजमी हैं वो अदना, नहीं कहा। साफ अल्फाज में कह दिया कि अरब को अजम पर फौकियत नहीं, अजम को अरब पर फौकियत नहीं। यानी यानी इज्जत किसकी है? अल्लाह ने कहा इन्ना अकरम, हदीस है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतखाकुम, कुरान की आयत भी है, अल्लाह फरमाते तुम में जुम्मे ज्यादा तखवे वाला वो है, तुम्हारे तुम में सुम में ज्यादा इकराम अल्लाह के नजदीक इकराम वाला इज्जत वाला वो है जो तुम में सुम में ज्यादा तखवे वाला है, जो मुत्तकी होगा उसी की इज्जत अल्लाह के पास है। यानी अपने आप को बोले कि मैं फला खानदान से हूँ, मैं अरब से हूँ, मैं फला से हूँ, मैं उस जगह से हूँ, मैं इस जगह से हूँ, नहीं, वो काम नहीं आएगा, वो हिमाकतें काम नहीं आएगी। कोई हिमाकत में है, कोई जहालत में है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर इंसान को इंटीमेट कर रहा है कि तुम जिहालत में हिमाकत में मत रहो, एक वक्त आएगा कि इंसान वहां पर अफसोस करेगा, और ये अफसोस क्यों करेगा? क्योंकि उसने अपने ऊपर बोझ लादा हुआ होगा, यानी गुनाहों का बोझ, कुफर का, शिर्क का, फिस्क का, निफाक का, बुराइयों का, गुनाहों का बोझ होगा उसके ऊपर। अब ये बोझ क्यों डाल लिया? क्योंकि उसने दुनिया को सब कुछ समझा, उसने ये बोझ क्यों डाल लिया अपने ऊपर? क्योंकि वो समझा कि दुनिया की जिंदगी ही सब कुछ है। तो अल्लाह ताला इस हकीकत पर से भी पर्दा उठा रहे हैं, वमल हयात दुनिया इल्ला लाइबा वलहव। ये बात मेरी बहनों कुरान में कई मरतबा आई, सूरह अनकबूत में भी अल्लाह ताला ने फरमाया वमा हादिहिल हयात दुनिया इल्ला लहव वलइब व इन्नद्दार अल आखिरा लहिल हयवान लौ कानू यालमून, वहां पर भी ये बात आई। यानी दुनिया की जिंदगी तो कुछ भी नहीं है सिवाय लहू लाइफ के। वमल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है इल्ला सिवाय लाइबाउ व लव, खेल। अब खेल तमाशे के लिए बड़ा सीरियस ले लिया इंसान, खेल तमाशा समझते ना, खेल तमाशा किसको कहते हैं? खेल तमाशा स्टेज है, स्टेज पे ड्रामा हो रहा है, खेल तमाशा हो रहा है, स्टेज है, शूट कर रही, ड्रामा कर रही, कुछ भी कर रही, ड्रामा है, एक खेल है, तमाशा है। फॉर एग्जाम्पल स्टेज पे कोई ड्रामा हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, ड्रामे में कोई माँ का रोल अदा कर रहा है, कोई बाप का रोल अदा कर रहा है, कोई बीवी का, कोई शौहर का, कोई बच्चे का, पर्दा गिरा, ड्रामा खत्म। हाँ समझ आई ना बात, पर्दा गिरा, ड्रामा खत्म, इतना ही है खेल तमाशा दुनिया। अब देखिए उस खेल तमाशे में एक एग्जाम्पल देके मैं आपको बताऊं, स्टेज पे ड्रामा हो रहा है, कोई शौहर का रोल अदा कर रहा है, कोई बीवी का रोल अदा कर रहा है। अब खेल ड्रामा खत्म हो गया, नीचे उतरने के बाद में अब कोई बोला कि नहीं तुम ही मेरा शौहर हो, या फिर आदमी बोला कि तुम ही मेरी बीवी हो, तो वो बोलेगी अरे ये तो ड्रामा चल रहा था ऊपर खाली थोड़ी देर के लिए,
ये ड्रामे में तुम सीरियस मत लो, ये तो अलग है मामला। कोई किसी की बहन है, भाई है, तो वो हमेशा के लिए भाई बहन है, नहीं, ड्रामे के हद तक ही है। तो इस हकीकत को समझना लाजिम है तो ज्यादा दुख, दर्द, परेशानियां, टेंशन सब नहीं नहीं लगेंगे। समझो कि ड्रामा है तो है, अल्लाह फरमा रहा ना, वमल हयातु दुनिया इल्ला लाइबा वल्लह, दुनिया की जिंदगी सिवाय खेल तमाशे के कुछ नहीं है। अल्लाह ने जज्बात रखे हैं, सुभान अल्लाह, कदर करें इस चीज की, हाँ जज्बात है, लेकिन उसको इतना ज्यादा तूल ना दे कि वो अल्लाह और उसके रसूल से आगे चले जा रहे हैं, है ना। माँ बाप की मोहब्बत, शौहर की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, हाँ इतनी ज्यादा हो गई अल्लाह और उसके रसूल के आगे चले गई तो ये तकलीफें होते, और ये समझता कि बंदा यही सब कुछ है, नहीं, अल्लाह तआला बोल रहे खेल तमाशा है, खेल तमाशा, याद रख इस बात को, क्योंकि एक वक्त ऐसा आने वाला है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व अबी उम्मी अबी साहिबती, यानी पूरे रिश्ते गिना दिए वहां पे अल्लाह तआला। अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, अपने बीवी से भागेगा, अपने कुंबा, एक जगह तो ये फरमाया अल्लाह ने कि सारे कुंबे को ले ले, क्या कहेगा बंदा, अल्लाह तू सारे कुंबे को ले ले, मुझे छोड़ दे। दुनिया की बता दी अल्लाह ने, उसका कुंबा कुंबा नहीं रहा, उसकी माँ माँ नहीं रही, उसका बाप बाप नहीं रहा, उसका भाई भाई नहीं रहा, उसकी बीवी बीवी नहीं रही, उसका शौहर शौहर नहीं रहा, उसके बच्चे नहीं रहे, क्या कहेगा, ये सबको ले ले, मुझे बचा दे या रब। दुनिया में तो उसका मामला ये था, खुद मरता था, खुद मरती थी, अपने आप को मारती थी और अपने बच्चों के लिए जीती थी, अपने आप को मारती थी, फलां के लिए जीती थी, फलां के। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, वही कहेगी या वही कहेगा कि ये सब ले लो, मुझे छोड़ दो। तो ये हकीकत है दुनिया की। अल्लाह साफ इरशाद फरमा रहा है, वमल हयात दुनिया इल्ला लाइबा व लहव, एक खेल तमाशा दुनिया भी जिंदगी। इसीलिए तो गुनाह क्यों होते, बंदा समझता नहीं ना खेल तमाशा है, चंद दिन का है, नहीं समझता, उसी में नाफरमानी करता, उसी में उसको लूटना, उसको खसूटना, उसको तकलीफें देना, उसको छीनना, उससे यानी कितनी सारी चीजें नहीं कर लेता, और फिर सिंपथी अपने लिए करता, मैं गरीब, मैं फकीर, मैं, मेरे से कोई मोहब्बत नहीं करते, मेरी कोई कदर नहीं की जाती, मैं ही करने लगता। वो देखता नहीं कि उसने दुनिया को कैसे लिया, कैसे लिया दुनिया को, दुनिया को खेल तमाशे के तौर पर लेकर आखिरत के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया उसने, और फिर अपने आप की सिंपथी चाहता है, नहीं, आखिरत पे उसे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। मोहब्बत हो अल्लाह की जात से शदीद, अपने आप से भी ज्यादा, अपने माल से भी ज्यादा, बाज माल की मोहब्बत में गिरफ्तार है तो बाज फलां की मोहब्बत में, हत्ता कि इंसान खुद की मोहब्बत में भी गिरफ्तार है, और दुनिया को सब कुछ समझ बैठा, सब कुछ समझ बैठा। तो अल्लाह फरमाता है, तू ये दुनिया को सब कुछ मत समझ, ये तो एक खेल तमाशा है, इस बात को जान ले। वला दारुल आखिरा खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून, आखिरत का घर तो मुत्तकियों के लिए बेहतरीन घर है। अफला ताखिलून, क्या तुम सोचते नहीं, अकल नहीं रखते, पूछ रहे हैं अल्लाह ताला, अफला ताखिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते, अकल से सोचो, अकल दिया ना अल्लाह ने, अल्लाह ने अकल दी ना, अकल को इस जगह इस्तेमाल करो, यानी कुरान में, दीन में अकल को इस्तेमाल नहीं करते, कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं, किसी की दुश्मनियों में, किसी से बदला लेना है, किसी को नीचा दिखाना है, वहां अकल बड़ी दौड़ती है। इल्म की जगह पे अकल को दौड़ाओ तो बोले नहीं समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, ये समझ, ये बात ही नहीं समझ में आ, क्योंकि अकल कोई कोई और जगह दौड़ दौड़ के थकी हुई है, अब यहाँ कहाँ दौड़ेगी, दीन में, इस्लाम में। लिहाजा अपनी अकलों को जिस जगह दौड़ाना है मेरी बहनों, आज हम डिसाइड करेंगी कि इसी जगह दौड़ाएंगी, तो अल्लाह भी क्या करेगा, उसमें बरका देगा, बरका देगा आपकी अकल में, बरका देगा आपकी सोच में, बरका देगा आपके नजरियात में, बरका देगा, आप एक क्या कहते हैं कि होशियार बंदी बन जाएंगी, लोग बोलेंगे अरे अच्छा पहचान लेते उनको देख के, मतलब ये वो कर लेगी ये काम, क्यों, क्योंकि उसके अकल में बरका है, क्योंकि उसने दीन को कसरत से हासिल किया और इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं, ऐसे नहीं कि दीन को खाली हासिल किया तो बराए हुसूल है, बस हासिल कर लिया छोड़ दिया, नहीं, दीन को हासिल करना है हमें, अकल इसमें दौड़ाना है हमको, और अपने आप को हिमाकत में, अपने आप को बेजा वक्त के जाये करने में नहीं लगाना है मेरी बहनों, नहीं,
बल्कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि देखो मुत्तकी बन जाओ तो तुम्हारे लिए आखिरत का घर बेहतरीन है। अफला ताखिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते, समझते नहीं? अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद समझे थे इस बात को और अमल करे थे, जो कि मेरे और आपके रसूल हैं, उसवे उसवे रसूल हमारे लिए नाजिम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना, आपने जिसे अमल किया, आपने जो सुन्नतें बताई, उन चीजों की पाबंदी करना। अल्लाह ताला हमको हुक्म देता है इस चीज का, मेरी बहनों, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल बार बार आया कुरान में। अब देखते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामला था इसमें, वो कैसे दुनिया को हकीर जानते थे, आखिरत की कितनी ज्यादा फिक्र थी, इतनी ज्यादा फिक्र थी मेरी बहनों, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ खुद अमल करते बल्कि अपनी औलाद को, अपने अहबाब को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने गांव वालों को, अपने शहर वालों को, अपने मुल्क वालों को कसरत से ये चाहते कि वो तमाम दीन पर आ जाएं, और कोशिश करते। ऐसे नहीं कि मतलब हमारे हमारे जैसे शबो रोज नहीं थे हमारे रसूल के। हम कहते हैं कि हमारे रसूल में हमारे लिए नमूने अमल है, अल्लाह ताला ने कह दिया, लेकिन वो कौल कुरान की हद तक हमने रखा, जिंदगियों में इम्प्लीमेंट नहीं किया। मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबो रोज कैसे थे देखिए, आपके दिन भर के एक्टिविटीज क्या थे देखिए, क्योंकि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे पर अमल करना है। आपके एक्टिविटीज क्या थे, आपके शबो रोज कैसे गुजरते थे, बस इस फिक्र में आप जीते थे कि लोग अपनी आखिरत बेहतर कर ले। हाँ, दुनियावी मामलात भी करते थे, लेकिन दुनियावी मामलात करते वक्त कारोबार भी करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेटियां भी थी, आप लाड़ प्यार भी करते थे अपने बच्चों से, आप रोते भी थे, आप हंसते भी थे, आप बीवियों के साथ रहते भी थे, कभी नाराज भी हुए थे और खुश भी रहते थे उनके साथ, वो उनकी खिदमत करती थी, ये उनका ख्याल करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब चीजें चलती थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द आखिरा, ये चीज आखिरत में कैसे मेरे लिए नेमुल बदल हो सकती है, वो पॉइंट ऑफ व्यू वो था, यानी नजरियात वो थे कि मैं इनसे डील करूं, इनसे बात करूं, इनसे मामलात करूं तो आखिरत के पेश नजर करूं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बशर थे ना, इंसान थे। अब बाज लोग कहते हैं जी हालत में अल्लाह माफ करे, नहीं नहीं इंसान नहीं थे। अरे कुरान कहता है इंसान थे, अल्लाह कहता है इंसान थे, और लोग कहते हैं इंसान नहीं थे, तो क्या मतलब आयत को झुठला देते हैं आप? सूरह कहफ पढ़ते रहो, फिर जुमा जुमा को क्या फरमाया अल्लाह ने सूरह कहफ में, खुल कह दीजिए ऐ नबी इन्नमा अना बशरुन, कह दिए कि मैं बशर हूं। बशर बशर किसको बोलते हैं, इंसान को। खुल कह दीजिए इन्नमा अना बशरुन, बेशक मैं एक बशर हूं, इंसान हूं। अब अल्लाह कह रहा है कि ऐ नबी तुम कह दो तुम एक इंसान हो, आम इंसानों की तरह इंसान, कोई फरिश्ते या फिर कोई दूसरी मखलूक नहीं हो, इंसान ही हो। तकलीफ भी होती थी आपको, दुख भी होता था, दर्द भी होता था, हंसी भी आती थी, मुस्कुराते भी थे, हंसते भी थे, यानी आप एक इंसान थे, सुभान अल्लाह। फर्क क्या था, फर्क क्या था, कॉमन इंसान नहीं थे, फर्क क्या था? आप पर वही की जाती थी, आपको पैगंबर बनाया गया था, आपको रसूल बनाया गया था, आप पर वही की जाती थी, इसीलिए आपको आला मुकाम मिला। लेकिन इंसान ही थे, आला मुकाम मिला तो इंसान से हटके कुछ और हो गए, नहीं ना, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, इंसान ही थे। अल्लाह ने पैगंबर को, रसूल को इंसान क्यों बनाया, इंसान को पैगंबर रसूल क्यों बनाया? क्योंकि लोगों को पता चले कि एक इंसान एक अमल कर सकता है, तुम भी करो, खाली पैगंबर को ही करना नहीं है, पैगंबर का देख के तुमको भी करना है ना। तो अब ये रसूल इतनी मेहनत करे, हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मेहनत के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, हम खूब जानते हैं ऐ नबी, खद नालमू, हम खूब जानते हैं, इन्नहू, बेशक वो, ला यहजुनकल लजीन यहजुन हिजन गम, तुमको ऐ नबी हम खूब जानते हैं कि तुमको वो बातें गम जदा कर देती है, लजीन यखुलूना वो जो बातें करते हैं ना लोग, उनकी बातें ऐ नबी हमें पता है कि तुम्हें बहुत गम ज़दा कर देती हैं, फइन्नहुम ला युकद्दिबूनका, बेशक वो तुमको नहीं झूठला रहे हैं नबी, वलाकिन ज़ालिमीन, बल्कि वो जालिम भी आयातिल्लाही यजहदून, अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे हैं। होता ना मेरी बहनों, आप फॉर एग्जाम्पल किसी को दीन इस्लाम पहुंचाती हैं, बाप बोले चुप बैठो जी, तुमको नहीं पता,
चुप बैठो जी, तुम वहां भी हो, चुप बैठो जी, तुम तो दीन से हट गई, तुम तो यहूदियों की चालें चल रही हो, तुम फला जमात में चली गई हो, तुम फला हो गई हो। चुप बिठा देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, डांट देते हैं, गुस्सा, हमको तकलीफ होती ना, अरे ये हक को नहीं सुन रहे हैं, ये हक को नहीं सुन रहे हैं, ये आपको तकलीफ हो जाती है। आप कहेंगे तो तकलीफ होगी ना, आप जब कहेंगे तो देखिए लोगों का रिएक्शन। बहुत कम होंगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ आपकी बात दुरुस्त है। कईयों ऐसे निकल जाएंगे आपको खानदान से, कबीले से, अपने दोस्त अहबाब से, अपने मोहल्ले वालों से ऐसे निकल जाएंगे जो आपको कहेंगे आप रहने ही दीजिए बातों को, हम नहीं सुनना चाहते, या तो जुबान पे बोल देंगे या आप बिहेवियर ऐसा करेंगे कि आप चुप हो जाएं। तो हमको तकलीफ होती ना, तो सुभान अल्लाह इस तकलीफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा गुजरे, इतना ज्यादा कि गम जदा हो जाते थे ये देख करके कि क्यों क्यों ये लोग झुटला दे रहे हैं अल्लाह की बात को, क्यों ये लोग झुटला दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रही कि ऐ नबी हम खूब जानते हैं कि इनकी बातें आपको गमजदा कर देती हैं, सो ये लोग आपको झूठा नहीं कहते, आप ये मत समझो कि ये आपको झूठा बोल रहे हैं, नहीं बल्कि ये किसको झूठा बोल रहे हैं, अल्लाह की बातों को झूठा कह रहे हैं। ये किसको झूठा कह रहे हैं, अल्लाह की बातों को झूठा कह रहे हैं, ये अल्लाह के नबी को झूठा नहीं कि अल्लाह ताला बता रहे हैं ऐ नबी ये आपको झूठला रहे हैं, तो ये आपको नहीं झूठला रहे, ये किसको झूठला रहे हैं, ये अल्लाह की आयात को झूठला रहे हैं। आप गमजदा मत हो, ऐसे इंकार करने वाले तो बहुत गुजरे। हत्ता कि अबू जहल ने तो कह दिया था ना, क्या कहा अबू जहल ने कि ऐ मोहम्मद हम तुमको नहीं बल्कि जो कुछ तुम लेकर आए हो ना उसको झूठलाते हैं। इस पर यह आयत नाजिल हुई, अभी जो मैंने आयत पढ़ी ना, खद ना आलमू, हम जानते हैं, हम खूब जानते हैं कि आपको इनकी बातें गमजदा करती हैं, सो ये लोग आपको झूठा नहीं कहते बल्कि ये जालिम तो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। हालांकि ये लोग नबी की सदाकत के खायल थे, कहते थे कि हाँ नबी बहुत सच्चे हैं, नबी बहुत अच्छे हैं, मोहम्मद बहुत अच्छे हैं, नबी नहीं मोहम्मद कहते थे, मोहम्मद बहुत अच्छे हैं, मोहम्मद सच्चे हैं, मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जो तालीमात ये लाए हैं हम उसको नहीं मानेंगे। इतने प्यारे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे सारे मक्के में मशहूर थे, सारा मक्का इतने ज्यादा लोग सब में मशहूर थे कि ये अमीन हैं, सादिक हैं, अमानतदार हैं, सच बोलते हैं, किसी से झगड़ते नहीं, हर एक के साथ नर्म सलूक होता है, सब हर चीज को एक्सेप्ट करते थे, आपको चाहते थे। लेकिन जैसे ही दीन इस्लाम का नाम है दुश्मन हो जाते। हाँ माना कई लोगों ने, लेकिन जो नहीं मानते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ होती थी ये देखकर, अरे ये लोग नहीं मान रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे ना ये आगे जाके इनको आग छूने वाली है या जहन्नम में जाएंगे, तो वो खौफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते थे, रो रो के दुआएं करते थे, अल्लाह अल्लाह इनको हिदायत दे दे, अल्लाह इनको हिदायत दे दे। तो अल्लाह ताला बता रही वलहद कुज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक, ऐ नबी बहुत से पैगंबर आपसे पहले भी झुटलाए जा चुके, उनकी भी तकज़ीब की जा चुकी, जो आपसे पहले आए थे ना उनकी उनको भी झुटलाया जा चुका, उन्होंने उस पर सबर ही किया, उनकी तकजीब की गई, उनको झुटलाया गया, उनको ईजाएं पहुंचाई गई। क्या बोले अल्लाह ताला, वलखद कुज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिका, तुमसे पहले जो रसूल आए वो झुटला दिए गए, फसबरू उन्होंने सब्र किया, अला मा कुज़िबु जिस बात पर उन्हें झुटलाया गया उस पर उन्होंने सब्र किया, वऊज़ू अच्छा खाली खाली झुटलाए नहीं बल्कि तकलीफें दी पैगम्बरों को, पता है ना बास पैगम्बरों को तो लोगों ने कत्ल भी कर दिया बनी इसराइल में, पैगंबरों को बात तो खतल ही कर दिया, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तकलीफें दिए पैगंबरों को, हत्ता यहाँ तक के आता हम नसरुना, यहाँ तक के अल्लाह की मदद आई, अल्लाह ताला बता रहे हैं यहाँ तक के हमारी मदद आई उनको, बला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला नहीं है, यानी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि काफिरों पर गलबा नहीं आया, ऐसा नहीं होगा काफिरों पर गलबा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, अल्लाह ताला बता रही कि काफिरों पर गलबा होने ही वाला है, सबर करो सबर करो, अल्लाह की मदद आएगी, वला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें तब्दील नहीं होती, शुरू से जो चलते आ रहा वही चलते आ रहा है, हक बयान होता है, हक को कबूल करें तो बच जाएंगे लोग, हक को कबूल नहीं करेंगे ज्यादा बदतमीज और बेहया लोग ज्यादा हो जाएंगे, वहां पर अल्लाह का अजाब आएगा ही आएगा। अल्लाह की बातें बदलती नहीं है, हाँ अगर कोई नेक ज्यादा हो गया, सब मतलब ज्यादा लोग नेक हो गए तो
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करता है, जालिमों को हरा देता है, जालिमों को शिकस्त दे देता है। ये जालिमों की तादाद ज्यादा हो गई, कुफर की, इल्हाद की, शिर्क की, फिस्क की, गुनाहों की तादाद ज्यादा हो गई, अल्लाह ताला पूरों को मार डालता, पूरों को अजाब आ जाता, अजाब आम। तो इसीलिए मेरी बहनों बार बार मैं कहती हूँ, हमें खुद भी सुधारना है, लोगों को सुधारना है। क्यों? क्योंकि हदीस रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर बंदा अल्लाह का दीन नहीं पहुंचाएगा तो उसकी मिसाल है, कश्ती की मिसाल देके बोले ना, कश्ती में कोई नीचे वाले सुराख कर रहे हैं, ऊपर के फ्लोर वाले बोले कि हमको क्या करना है, हम ऊपर के फ्लोर पे हैं, नीचे वाला कर रहा ना सुराख, तो क्या होगा, कश्ती सिर्फ नीचे वालों को डुबोएगी, फर्स्ट फ्लोर पे जो रहते कश्ती में उनको भी डुबोएगी कश्ती। तो ये वाली बात है कि अल्लाह सुबहान तआला साफ इंटीमेट कर दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कि तुम खुद भी अमल करो, दूसरों को भी रागिब करो, दूसरों को भी बुराइयों से रोको, नेकियों की तरफ बुलाओ, नहीं बुलाएंगे तो सारी कश्ती डूबेगी इस्लाम की। अल्लाह अकबर, अल्लाह महफूज रखे हमें तमाम उम्मत मुहम्मदिया को, और हमें तौफीक दे कि हम कसरत से नेक अमल करें और दूसरों को भी रागिब करें इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन या रब। आगे अल्लाह ताला फरमा रही कि देखो लोग अल्लाह की बात नहीं बदलती, वलखद जाअका मिन नबाइल मुरसलीन, आपके पास बास पैगंबरों की कुछ खबरें तो ऐ नबी आ चुकी हैं, और अगर आपको इनका इराज गिरा गुजरता है, अब बारहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करते बेचैन 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 हो जाते, तो अल्लाह ताला कितनी सख्त वईद के साथ कह रहे हैं, व इन काना कबुरा अलैका इरादहुम, अगर आपको इनका इराज गिरा गुजरता है, فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ, अगर आपको ये कुदरत है कि जमीन में कोई सुरंग कर दें, और सुल्लमन फिस समा, या कोई क्या कहते हैं कि सीढ़ी लगाकर आसमान में चढ़े, फताअतियहुम बिआया, कोई निशानी मौजिजा ला सकते हैं आसमानों में सीढ़ी लगाकर चढ़कर या जमीन में सुराख कर कर, तो कर लो। वलौ शा अल्लाह, अगर अल्लाह चाहता, लजमअहुम अलल हुदा, सबको जमा कर देता हिदायत पर, फला तकूनन मिनल जाहिलीन, ऐ नबी नादानों में से मत हो जाओ आप। अल्लाहु अकबर, यानी मेरी बहनों अल्लाह सुबहान व तआला नबी को ये बात बोल दिए लास्ट में कि ऐ नबी आप बस करो, यानी मतलब ये इतना ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिक्र की। और मेरी बहनों हम और आप उसी नबी के उम्मती हैं, उसी नबी के उम्मती हैं। आज हमारी फिक्र का मवाजना करिए, आज हमारी फिक्र देखिए कितनी है, और हमारे नबी की फिक्र कितनी थी, दीन इस्लाम को गालिब करने की, दीन इस्लाम पहुंचाने की, लोगों को शिर्क से रोकने की, लोगों को शिर्क से दूर करने की, तौहीद को पहुंचाने की, लोगों को जन्नत की तरफ ले जाने की कितनी फिक्र थी मेरे और आपके रसूल को। और हमारी फिक्र क्या है देखिए, और हम कहते हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, और हम समझते हैं कि हमें मरते ही जन्नत मिल जाएगी, फिर आमाल पर भी थोड़ा गौर करें। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज्यादा यानी गिरा गुजरता था पर, और इतनी मेहनत, इतनी जुस्तजू करते थे। एक जगह तो और एक जगह कुरान में अल्लाह ने फरमाया ना कि ऐ नबी क्या तुम अपनी जान हलाक कर दोगे इनके पीछे, ऐसा भी आया बयान कुरान में। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला समझा के कहते हैं, इन्नमा यस्तजीबुल लजीना यस्माउन, वही लोग कबूल करते जो सुनते हैं, यानी इन काफिरों की हैसियत तो ऐसी है जैसे मुर्दे होते ना, मुर्दे सुनते नहीं समझते नहीं, सुनने और समझने की कुदरत से महरूम हो गए ना, मुर्दे मर गए, मरने वालों को मुर्दों को क्या सुनाएंगे, वो तो अकड़ के रहेगा, मुर्दा तो अकड़ के रहेगा, ना सुनेगा ना समझेगा, उनको क्या सुनेंगे। नहीं मतलब ये कि बाज लोग ऐसे होते हैं, अल्लाह ताला फरमा रही कि वो जो सुनना चाहता ना वही सुनता, जो कबूल करना चाहता ना वही सुनता, मुर्दों को तो अल्लाह जिंदा करके उठाएगा जब मालूम होगा उन्हें, मुर्दों को तो अल्लाह जिंदा करके उठाएगा, फिर सब अल्लाह ही की तरफ ले जाए जाएंगे। वल मौता यबअथुहुम अल्लाह, मुर्दों को अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा, सुम्मा इलैही तुर्जऊन, फिर अल्लाह ही की तरफ वो लौटाए जाएंगे, उसी की तरफ वो लौटाए जाएंगे। अब ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों अल्लाह ताला से मुतालबा करते थे मौजिजात का मेरी बहनों, क्योंकि वखालू, अल्लाह ताला फरमाते हैं वखालू, वो कहते थे लौला नुज़िला अलैहि आया मिन रब्बी,
हम पर नाजिल क्यों नहीं होती कोई भी आयतें अपने रब की तरफ से, उनकी रब की तरफ से कोई आयतें नाजिल क्यों नहीं हो रही, यानी आया आया निशानी मौजिजात क्यों नहीं नाजिल हो रही? बहाने थे उनके, इस्लाम पर अमल करो तो बहाने बहाने लगाते थे, कहते थे कि नहीं आए हमको निशानियां बताओ, आप ही पैगंबर हैं, अल्लाह ताला है, निशानियां बताओ निशानियां बताओ। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं, खुल कह दो, इन अल्लाह खादिरुन, अल्लाह कुदरत रखता है, अला अन युनज्जिला आया, कि वो निशानियों को नाजिल करे। खुल कह दीजिए, इन अल्लाह बेशक अल्लाह कादिरुन कुदरत रखता है, अला उस चीज पर के अन युनज्जिला आया, कि वो नाजिल कर दे निशानियों को। वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, नहीं है जानते, बेखबर हैं अल्लाह की कुदरत का, उसकी हिकमत का, उसके इल्म का, उसकी मशीयत का, इन लोगों का अंदाजा नहीं है। ये खाली बातें करेंगे, अल्लाह तआला ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा, मैं ऐसा करे तो ऐसा करती थी, वैसा करे तो वैसा करती थी, नहीं अमल करना नहीं तो बहाने करेंगे। तो अल्लाह ताला मिसालें देकर फरमाता है, जितने जानवर है ना जमीन में, वमा मिन दाब्बा फिल अर्ज, जितने जमीन में जानवर हैं, वला ताइरु यतीरु, और जितने उड़ने वाले परिंदे हैं ना, जितने किस्म के जानवर जमीन में चलने वाले हैं, जितने किस्म के परिंदे हैं अपने दोनों बाजों से उड़ते हैं, भी जना है ही इल्ला उममुन अम्सालकुम, इनमें कोई किस्म ऐसी नहीं जो तुम्हारी तरह की गिरोह ना हो। यानी अल्लाह ताला बता रही कि हर वो चीज, यानी उन्हें भी अल्लाह ने उसी तरह पैदा किया जिस तरह तुम्हें पैदा किया, उन्हें भी रोजी देता है जिस तरह तुम्हें देता है, तुम्हारी तरह वो भी उनकी कुदरत और इल्म के तहत दाखिल हैं। यानी अल्लाह ताला बता रही कि तुम देखो मेरी कुदरत, निशानी निशानी बताओ निशानी बताओ। अरे क्या निशानी बताए, क्या मुजजात बताए, दुनिया में नहीं देख रही, दुनिया में हजारों निशानियां अल्लाह की, हजारों आयतें, क्या है अल्लाह की निशानियां, क्या है अल्लाह की निशानियां, बड़े बड़े आसमान हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े दरिया हैं, समंदर हैं, जमीन भी अल्लाह की निशानी, कई है अल्लाह की निशानियां, उसकी कुदरत को उसके जरिए से पहचानो। अभी दो मिसालें दे रहे खाली अल्लाह ताला, छोटी छोटी मिसालें हैं, जानवर और परिंदे। अब इन ये छोटी मिसालों से शुरू करेंगे आप तो बढ़ते बढ़ते ये बहुत बड़ी हो जाएगी। जानवर वही नहीं है जो हम देखते हैं, किस्म किस्म के जानवर हैं दुनिया में, किस्म किस्म। तो वो जानवर को जब हम देखते हैं तो हम क्या बोले, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला कैसा पता करे इतने सारे चीजों को, अल्लाह कितना बड़ा है, हमारा रब कितना बड़ा है, इतने सारी चीजों को अल्लाह ने पैदा किया, इतने सारे जानवरों को अल्लाह ने पैदा किया, अलग अलग मखलूक, यानी एक एक मखलूक आप देखेंगे ना, कीड़े मकोड़े परिंदे चरिंदे, ये तमाम चीजों को देखेंगे तो सुभान अल्लाह निकल जाएगा आपकी जुबान से, बेसाख्ता निकलेगा सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, ये अल्लाह की निशानियां हैं। अल्लाह कहता है कि देखो परिंदों को देखो, जानवरों को देखो, तुम्हारे लिए मिसालें हैं ये, मा फरदना फिल किताब, हर चीज को अल्लाह ने किताब में लिख रखा है। कोई अपने दफ्तर में, अल्लाह के दफ्तर में कोई चीज छुटी भी नहीं, शय्यिन कोई भी शय छुटी भी नहीं है, सुम्मा इलैहि रब्बिहिम युहशर। अभी सब दुनिया का तमाशा लगा के रखा ना अल्लाह ने, अल्लाह ताला बता रहा है कि एक वक्त आएगा तुम सब उसी की तरफ हशर किए जाओगे, जमा किए जाओगे। और जो लोग हमारी आयतों की तकजीब करते थे, झुठलाते थे ना अल्लाह की आयतों को, तो अल्लाह ताला बता रही कि वो जो लोग, वल्लजीना कज्जबू भी आयातिना, जिन लोगों ने झुठलाया हमारी आयतों को, सुम्मुम बुकमुन फिज़्ज़ुलुमात, वो लोग कैसे हैं, तरह तरह की जुल्मतों में बहरे अंधे बने हुए हैं, वो तरह तरह की, यानी जो लोग अल्लाह की आयतों को झुठलाते हैं, वलखत कज्जबू भी आयातिना, जो लोग झुठला देते हैं अल्लाह की आयतों को, सुम्मुम बुकमुन फिज़्ज़ुलुमात, वो बहरे हैं, गूंगे हो रहे हैं। यानी मतलब ये कि वो हक को सुनेंगे नहीं, सुन हक को सुनना है बोलते ही उनका दिमाग उधर जाएगा उधर जाएगा उधर, नहीं नहीं सुनेंगे, हक को नहीं सुनेंगे, बहरे बन जाएंगे हक से, हक बोलने की नौबत आती बोलना नहीं आता, गूंगे हो जाते, बात सामने रहती, हक बोल सकते हैं लेकिन नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं, मैं क्या बोल सकती हूँ वहां पर। अरे हक है आपके पास, बोलो, नहीं बोल सकते क्यों, जुलमात के अंधेरों में डूबे हुए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा आतिना, अल्लाह हमको अता कर नूरन, नूर को, अल्लाह के नूर को, अल्लाह की हिदायत को अल्लाह हम सबको अता करे, हमें हमारी नस्लों को, ताकि हम उस नूर से मुनव्वर हो जाएं,
रोशन हो जाए। अब जो रोशन नहीं होता, झुठलाने वाला रोशन नहीं होता मेरी बहनों, सुनेगा तो झुठलाएगा, नहीं नहीं झुठलाएगा, सुनता ही नहीं, उसे मालूम ही नहीं है, उसे लेना ही नहीं है, तो फिर वो तो झुठलाएगा अपने अमल से। तो हमें अल्लाह की बातों को लेना है, सुनना है और उसको एक्सेप्ट करना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला बता रहे हैं वल्लजी नकज़्ज़बु, जिन्होंने झुठलाया भी आया तीन हमारी आयतों को, सुम्मुम बुकमुन, वो बहरे हैं, गूंगे हैं, फिर जुल्मात अंधेरों में, मैं यशा अल्लाह युद्रिल हो, हाँ अल्लाह जिसको चाहे बेराह कर दे, अल्लाह अकबर, मैं यशा अल्लाह युद्रिल हो, अल्लाह जिसको चाहे गुमराह कर दे, मैं यशा यजअलहु अला सिराति मुस्तकीम, और अल्लाह जिसको चाहे सीधी राह पर लगा दे। तो मेरी बहनों दुआ करें, गिड़ गिड़ा के दुआ करें, हिदायत अल्लाह के हाथ में है। कहते ना एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिदायत अल्लाह ताला के दो उंगलियों के बीच में है, सारी कायनात अल्लाह के दो उंगलियों के बीच में, अल्लाह ऐसे करेगा, यानी मतलब ये कि चाहे तो हिदायत दे आपको, चाहे तो गुमराह कर दे। अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि मैं चाहे तो तुम्हें हिदायत दूंगा, चाहे तो तुम्हें गुमराह करूंगा, चाहे तो हिदायत दूंगा, चाहे तो गुमराह करूंगा। जो लोग हमारी आयतों को, जो लोग हमारी आयतों को झूठलाते हैं, उनको अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उनकी तो गुमराही है ही है, अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे सिरात मुस्तकीम दे दे, सिरात मुस्तकीम दे दे, जिसे चाहे गुमराह कर दे। अब ये मेरी बहनों आयत इलाही की को झूठलाने वाले चूंकि अपने कानों से हक बात सुनते ही नहीं है, अपनी जबानों से हक बात बोलते ही नहीं है, इसीलिए अल्लाह ताला बता रही कि ऐसे बहरे गूंगे जो लोग होते हैं अल्लाह उनको कुफ्र और जलालत की तारीखियों में छोड़ देता है, अल्लाह उन्हें हिदायत नहीं देता, उनको हिदायत की कोई बात नजर ही नहीं आती। और अगर कोई यानी अल्लाह ताला की रहमत चाहता है, इख्तियार तो तमाम अल्लाह के हाथ में है, सीधी राह चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह ताला के फैसले को माने, अल्लाह की बात को माने, अल्लाह के अहकामात की तकाजों को पूरा करे, गुमराही से बचे, तो फिर अल्लाह ताला क्या करेगा, उसको हिदायत देगा, सिरात मुस्तकीम देगा, और जिसको चाहेगा सीधी राह पर लगा देगा। आप कह दीजिए अपना हाल तो बताओ, अगर तुम पर अल्लाह का कोई अजाब आ पड़े या तुम पर खयामत ही आ पहुंचे तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे अगर तुम सच्चे हो? यानी ये शिर्क करने वाले ये सिरात मुस्तकीम पर नहीं आते, ये शिर्क में ही मुब्तला रहते हैं। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं खुल कह दो इनसे अराअयतुकुम इन अताकुम आताकुम अज़ाबुल्लाह, खुल कह दो अराअयतुकुम, क्या आपने देखा, क्या आपने उनका हाल जाना कि इन आताकुम अज़ाबुल्लाह, अगर उन पर अल्लाह का अजाब आता है, औ अततकुमुस्सा, या फिर कोई मुसीबत की घड़ी क़यामत ही उन पर आ पहुंचे, तो अग़ैरल्लाहि तदउन, अल्लाह के अलावा किसी को पुकारते नहीं पुकारते, जब सब वसाइल ज़राएं इनके पीछे थे उनके पीछे सब छोड़ देंगे, किसको पुकारेंगे, अल्लाह को पुकारेंगे। आज भी दुनिया में मिसालें देखिए मेरी बहनों, आज भी दुनिया में मिसालें देखिए, कुछ बड़ी मुसीबत आ पड़ती है, फौरी वजू करें, नमाज को ठहर के अल्लाह 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 करने लगे, कोई सीरियस है दवाखाने में, अपना करीबी अजीज है, बड़ी मुसीबत आ गई उस पर, और अब रो रहे हैं अल्लाह के यहाँ, गिड़ गिड़ा रहे हैं, अल्लाह बचा ले अल्लाह बचा ले अल्लाह बचा ले, जब पूरे वसाइल जराए उनके पास, इनके पास, इनसे लगाओ उनसे लगाओ, ये दुनिया सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म होके क्या होगा, एक अल्लाह अल्लाह करने लगेंगे। तो अल्लाह ताला वो मिसाल देके कह रहा है, आप कह दीजिए अपना हाल तो बतलाओ, अगर तुम पर कोई अल्लाह का अजाब आ पड़े या तुम पर खयामत ही आ पहुंचे तो क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे अगर तुम सच्चे हो? नहीं, बल इय्याहु तदउन, बल्कि तुम किसको पुकारोगे, उसी को पुकारोगे, फयक्षिफु मा तदउन इलैही, फयक्षिफु मा तदउन इलैही इंशा वतनसुना मा तुशरिकून, क्या बोले अल्लाह ताला, बल्कि खालिस तुम उसी को पुकारोगे फिर जिसके लिए तुम पुकारोगे, जिसके लिए तुम पुकारोगे, अगर वो चाहे तो उसको हटा दे, बल इय्याहु तदउन, बल्कि तुम तो उसी को पुकारोगे ना, तो फयक्षिफु मा तदउन, यानी वो चाहे तो तुम्हें वो अजाब से हटा देगा, अल्लाह अल्लाह क्या करेगा, जिसके लिए तुम पुकारते हो लगो, अगर वो चाहे तो उसको भी हटा देगा, और जिनको तुम शरीक ठहराते हो उन सबको भूल भाल जाओगे, तनसौना मा तुशरिको, नसा एनसी कहते भूल जाना, तनसौ तुम भूल जाओगे मातु श्रीकून,
जिस चीज को तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे, जिसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थे, जिसके दबदबे में गिरफ्तार थे, जिसके ऊपर भरोसा तवक्कल करते थे, वो तमाम भरोसे, वो तमाम चीजें तुमसे टूट जाएंगी और तुम एक अल्लाह को पुकारने लगोगे। और वो एक अल्लाह को तुम्हारा पुकारना, एक अल्लाह को तुम्हारा पुकारना ऐसे होगा कि अगर वो चाहेगा तो तुमसे हटाएगा अजाब को, चाहेगा तो नहीं हटाएगा, क्योंकि अल्लाह ही के हाथ में है। मुख्तार कुल जात किसकी? अल्लाह की है। लिहाजा उसके सिरात मुस्तकीम से हमें आज चिमट जाना है मेरी बहनों। ऐसा ना हो कि वो वक्त आ जाए, अल्लाह ताला जी ने कहा ना कि साआ, वो घड़ी आ जाएगी, उस वक्त अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमें अकल दे, ऐसी अकल दे कि हम उसके सिरात मुस्तकीम पर तेजी के साथ गामजन हो जाएं और इस्तेखामत के साथ जम जाएं और हमेशगी के लिए हमारा अमल हो जाए इंशाल्लाह। और जो आमाल हम करते हैं वो अल्लाह की रजा के लिए हमारे हों, अल्लाह हमें रियाज से महफूज रखे, अल्लाह हमें दिखावे से महफूज रखे और अल्लाह ताला की जन्नत को हमें पाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा बारिक ली व लकुम, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सुभानकल्लाहुम्मा बिहमदिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।